गर्व से गौम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है। गर्व से गौम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आपने देखा कि नारों से गुंजायमान हो रहा है इस समय नजफगढ़ का यह भारी क्षेत्र, जहां मैं मौजूद हूं रावता मोड़ पर। और जो तमाम युवा है उन्होंने यहां पर केसरिया जो अपना पटका है वो पहना हुआ है और जय श्री राम के उद्घोष के साथ नारे लगाते नजर आ रहे हैं आपको ये युवा। इनसे बात करेंगे आज का क्या प्रायोजन रहा और किस विषय में आज ये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वैसे जैसी मुझे जानकारी मिली है, मैं आपको बता दूं कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जो निधि समर्पण है उसको लेकर के यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और जो तमाम युवा साथी हैं उनसे हम सिलसिलेवार बात करेंगे। हमारे बीच में युवा साहिल है, सबसे पहले उससे बात करेंगे। किस तरह का कार्यक्रम है? जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। ये भाई साहब प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में क्षेत्र में यात्रा निकाली सभी राम भक्तों ने। ये जो थोड़ी सी संख्या लोग चले गए क्योंकि कार्य समापन की ओर है कार्यक्रम, तो बहुत ही भव्य आयोजन रहा। ये आसपास के 16 से 17 गाँव में भव्य आयोजन रहा, बहुत ही उम्दा यात्रा निकालने की। जी, तो किस तरह का कार्यक्रम रहा और जो श्री राम निधि समर्पण है इसके बारे में बताइए। जो मंदिर है प्रभु श्री राम का, वो कुछ चुनिंदा उद्योगपति भी बना सकते थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने एक धेय रख के चले कि ये किसी एक चुनिंदा आदमी के नाम से ना पहचाना जाए, बल्कि समस्त राम भक्तों का इसमें सहभागी हो। लक्ष्मण जति की, सीता माता की, हनुमान की, शंकर भगवान की, वंदे मातरम।